एग्जाम्पल नंबर वन करने से पहले आपको सारे इसके रूल्स पता होना चाहिए, देन यू कैन स्टार्ट। यस, व्हाट इज स्टेप नंबर वन? स्टेप वन क्या है, जल्दी से बताओ। ड्रॉ नॉट ऑन द सेकंड पॉइंट। ड्रॉ नॉट ऑन द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ऑल राइट। आपसे ये उन्होंने पूछा फ्रॉम द डायग्राम, एक डायग्राम गिवन है, स्टेट द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। तो बी बेसिकली, बी इज द फर्स्ट पॉइंट, ऑल राइट। बी क्या है, बी फर्स्ट पॉइंट है और ए क्या है जनाब, यहाँ पे सेकंड पॉइंट है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट, ठीक है ना। तो इन पार्ट वन ड्रॉ नॉट ऑन सेकंड पॉइंट। क्या नॉट बना हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, ए पे नॉट बना हुआ है? अब्दुलरहमान बना हुआ तो ठीक है, ओके। स्टेप नंबर वन डन, ठीक है। आयशा मैनी, आया समझ में ये बात? नाउ स्टेप नंबर टू, जब ये बात डन है, ड्रॉ नॉट, आई एम सॉरी। नाउ स्टेप नंबर टू, फ्रॉम दिस नॉट, ये सेकंड पॉइंट का क्या मतलब है? देखो उन्होंने कहा ड्रॉ करें नॉट ऑन सेकंड पॉइंट। अब ये क्वेश्चन जब भी होगा ना, जो पहला पॉइंट होगा, जो पहले मिलेगा वो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट। जो बाद में मिलेगा वो सेकंड पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, सिंपल। बोलो, ओके। तो ए यहाँ पर पहला पॉइंट है, बी यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, ओके। अब उसके बाद सेकंड स्टेप, फ्रॉम दिस नॉट, ये जो नॉट बना हुआ है, फ्रॉम दिस नॉट ड्रॉ एन आर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ड्रॉ एन आर्क इन clockwise direction, all right, okay, clockwise direction. anti-clockwise बनाया है इन्होंने। इन्होंने तो बनाया हुआ, हमने खुद से बनाना है। clockwise direction कहाँ तक बनाना है भाई? till line, A point और B point की line कौन सी है? ये जो बनी हुई है। AB, all right, till the line AB. क्या है भाई? From this north, okay, इस north पे रख दें आप pen अपना, यहाँ से आपने घुमाया पेन और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में गए आप और लाइन ए बी तक बंद कर दी, ये बन गई एक आर्क। 60 होगा ये आर्क, वेरी गुड, ठीक है ना। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस रेड आर्क? जैसा कि मिंजा ने कहा, ये क्या हो जाएगा, 360 माइनस 360 डिग्री हो जाएगा, ऐसे ही है ना। क्यों भाई? क्योंकि स्टेप नंबर थ्री क्या है, एंगल ऑफ दिस आर्क इज कॉल्ड बेयरिंग। Angle of the arc is bearing. ये step number three है ना? ये notes में copy कर रहा हूँ बार-बार इसलिए ताकि पता रहे आपको। अच्छा सर, ये जो arc हमें बनाना है, ये बस directly pencils बनाना है या फिर वो compass use करना है? नहीं नहीं, sketch pencil, सारी चीजें pencil से free hand होगी। All right. तो अब क्या हुआ, आंसर कितना आया भाई इसका, बेरिंग का आंसर कितना आया भाई? 60 degree, simple. 60 degree. All right. तो आप कहाँ आंसर लिख दीजिए यहाँ पे, आंसर क्या होगा आपका? बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज 60 डिग्री, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है। क्या ये आंसर सही है? सर 0 से 0 होगा। बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज क्या है भाई, 60 डिग्री, इज आंसर करेक्ट? 0 से 0 होगा ना, 0 से 0 डिग्री, वेरी गुड मान एंड मिंजा। चलो भाई, इसको चाहो कॉपी कर लो, सिंपल सी वर्किंग है ये, कर लिया तो बताइएगा मुझे आप लोग सब लोग। हाँ भाई, स्टेट द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, ये उसी के एग्जाम्पल है और उसमें हमें कंटिन्यू है, उसमें हमें 60 डिग्री मिल चुका है, यू नो 60 डिग्री हमारे पास आ चुका है, ऐसे ही है ना। फॉर द गिवन डायग्राम, बी फॉर द गिवन डायग्राम, डायग्राम गिवन है आपका, इसका मालूम करना है आप। नॉर्थ कहाँ बनेगा? ड्रॉ नॉर्थ ऑन द सेकंड पॉइंट, विच वन इज द सेकंड पॉइंट, कौन बताएगा मुझे कौन सा सेकंड पॉइंट है? मैरीन सेकंड पॉइंट, बी यहाँ पर, ये सेकंड पॉइंट है, ऑल राइट, ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? फर्स्ट पॉइंट ए, जो पहले है वो पहले, ये ए और बी है ना, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ऑल राइट, ये सेकंड पॉइंट है, ओके। ड्रॉ नॉट ऑन सेकंड पॉइंट, बिल्कुल एक सीधी स्ट्रेट लाइन बना दीजिए आप लोग यूं करके ऐसे, ठीक है भाई? नॉट बना दिया आप लोगों ने, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, ठीक है। उसके बाद क्या है? यस, हु कैन रीड स्टेप नंबर टू, जल्दी कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ ले, अब पढ़ लो। फ्रॉम दिस नॉट ड्रॉ एन आर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज टिल द लाइन, क्लॉकवाइज से चलेंगे और टिल द लाइन, ए और बी की लाइन ये रही, ये रही, ये दिस इज लाइन, दिस इज और लाइन, यहाँ तक। चलो भाई यहाँ स्टार्ट करो, इस जो नया फ्रेश नॉर्थ आया ना, यहाँ से एक आर्क बनाओ, स्टार्ट द एन आर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन टिल द लाइन, सिंपल। अब क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस आर्क, व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस आर्क, कैन यू डिफाइन फाइंड आउट द एंगल ऑफ दिस आर्क?
यस यू कैन फाइंड 300 आ रहे हैं। ऑल राइट लिसन, कौन बताएगा ये वाला एंगल क्या है? अंदर वाला, अगर अंदर वाला पता चल जाए कितना है? इंटीरियर एंगल के रूल में दिखाया था आपने क्लास में उस दिन, बी और ए का सम जो है ना 180 होता है बेसिकली, तो इसलिए हमने इसको 180 माइनस 60 कर लिया, तो ये 120 आ गया। सही है, ठीक है। अब अगर ये 120 आया तो बाहर का जो ग्रीन एंगल है, ग्रीन एंगल क्या आएगा? ग्रीन एंगल बेसिकली कंप्लीट राउंड होता 360 डिग्री का, कंप्लीट राउंड होता 360 डिग्री का, तो ग्रीन एंगल क्या आएगा भाई? 360 माइनस 120। आई बात समझे मैरीन? पेपर में हमने अंदर वाला करना होता है या बाहर वाला? बड़े जो बेरिंग है ना वो ये बेसिकली बाहर वाला है ना बेरिंग, तो क्योंकि देखें इन्होंने कहां से 240 आया है ना, ड्रॉ नॉर्थ ऑन सेकंड पॉइंट, ड्रॉ नॉर्थ सेकंड पॉइंट पे नॉर्थ बनाया, फिर स्टेप है फ्रॉम दिस नॉर्थ ड्रॉ एन आर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर पिछले में हमने 60 आंसर लिखा था, तो बड़ा वो सिचुएशन वही थी। स्टेप देख लो, स्टेप अभी मैं दिखा जाता हूं, सेम स्टेप फॉलो किए थे हमने, सेम स्टेप फॉलो किए थे, तो अंदर वाला लग रहा था आपको, ठीक है ना। अभी आपको दिखाता हूँ, ये कर लूँ कंप्लीट, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। सही है बेटे, आंसर क्या है भाई? बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी कितना आ गया भाई? 240। बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी इज 240। आया कॉन्सेप्ट, आया समझ में? ये कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा ना, मुश्किल से मुश्किल सवाल दो सेकंडों में कर लेंगे आप लोग, कॉन्सेप्ट मैं बिल्ड करवाना चाह रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब हम आयशा की बात पर आते हैं। आयशा ने कहा सर पिछले बार तो अपने हो गए, चलो भाई इस क्वेश्चन में हमने याला एंगल लिया हुआ है और हम अकॉर्डिंग टू रूल गए, बिल्कुल जो जो हमने स्टेप्स हैं वही हमने यानी कि किए हैं। पिछले क्वेश्चन में भी अच्छा हमने स्टेप फॉलो किए थे, देखें यहाँ पे क्या स्टेप फॉलो किए थे, ड्रॉ नॉट ऑन द सेकंड पॉइंट, है ना, ड्रॉ नॉट ऑन सेकंड पॉइंट लिखवाया हुआ है नोट्स पिछले लेसन में। तो बेटे देखो आयशा, सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर यार, यहाँ पर सेकंड, यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो पहले मिला वो फर्स्ट पॉइंट, जो दूसरा मिला वो हाँ सेकंड पॉइंट ए है बेटे, दूसरा पॉइंट है ना। यहां से सवाल पढ़ेंगे तो पहला पॉइंट कौन सा है? जो पहले मिलेगा वो पहला पॉइंट, जो बाद में मिलेगा वो दूसरा पॉइंट। ऑलराइट ठीक है सर, तो ए यहां पर सेकंड पॉइंट है, ओके। इस पे आपने नॉट बनाना नहीं है, क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि यहां पर बना हुआ था डायग्राम में, क्लियर, यहां पर डायग्राम में बना हुआ था, और ये भी आपको दिया हुआ था, ये भी ब्लैक वाला भी दिया हुआ था आपको, दिया हुआ था ना, हमारी वर्किंग सिर्फ रेड वाली है जी, जी। हमने क्या कहा था, फ्रॉम दिस नॉट ड्रॉ एन आर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हम इस नॉट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन तक ले गए थे, सही है ना। तो हमने यहाँ पर अंदर वाला आ रहा था, इत्तेफाक की बात है। आई बात समझ में? नहीं जी सर, ठीक क्लियर हुई बात है ना, ये जी। किसी को कोई कन्फ्यूजन अभी बता दे, वैसे कन्फ्यूजन दूर कर ले भाई। अब्दुल रहमान कोई कन्फ्यूजन? मैरिन कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? मिर्जा कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? सर अभी तक तो सब आसान लग रहा है। आसान ही हो इंशाल्लाह, आगे भी आसान होगा, देखना भूलना नहीं बस ये, इसको इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड भी करवा के डलवा दूंगा अभी। तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई आप लोग, अब मैं आप लोग क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। एक अच्छा भाई, एक और एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल है नंबर 3, स्टेट द बेयरिंग ऑफ पी फ्रॉम क्यू। यस क्वेश्चन, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, क्यू, पी फर्स्ट, पी इज द फर्स्ट पॉइंट, क्यू इज योर सेकंड पॉइंट, जो बाद में मिलेगा वो बाद में, ऑलराइट सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट। तो द रूल नंबर 1 इज ड्रॉ नॉट ऑन सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज क्यू, सो गोइंग टू ड्रॉ द नॉट ऑन द सेकंड पॉइंट, ठीक है, वर्टिकल लाइन आपने ये नॉट बना दिया आपने। एंड स्टेप नंबर 2, ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम दिस नॉट इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, यू नो ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम दिस नॉट इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो ये मैंने बना दिया यहाँ पे, ऑल राइट। एंड द ग्रीन आर्क इज द एंगल ऑफ ग्रीन आर्क इज कॉल्ड बेयरिंग। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका एंगल क्या है, इसका एंगल क्या, कौन बताएगा, किस किससे क्या माइनस करके होगा? 70, 180 माइनस, बिकॉज ये इंटीरियर एंगल बन रहा है तो इंटीरियर एंगल के साथ 180 होता है, 180 माइनस 110 यू विल गेट 70 डिग्री, ऑल राइट। तो बेयरिंग ये ग्रीन वाले तो बेयरिंग है हमारा, तो आंसर क्या है भाई, 70 डिग्री, 070 इज द बेयरिंग ऑफ पी फ्रॉम क्यू, क्या कन्फ्यूजन है बताइए आप लोगों, क्यों आया गलत? हमने 360 से माइनस कर दिया, क्यों माइनस कर दिया, मैंने तो यही किया सवाल, ये क्यों समझ आ गई,
सवाल आया, मैं नहीं समझ में आया, अब मैं समझ में आया कि हम क्यों माइनस करेंगे भाई, आराम से हो तो रहा है, क्या तकलीफ है। तो आई होप ये समझ में आ गया वो सारे बच्चों को।